हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 की अपडेट देने वाला हूँ कि उस पर कितना काम कंप्लीट हो गया। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सामने की तरफ इस बोर्ड पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है पैकेज 3 एंड पैकेज 4 स्टार्ट। तो यहाँ से स्टार्ट होता है पैकेज 4। और ये आ गया बसई रेलवे ब्रिज, जहाँ से एक्चुअल में पैकेज 4 की स्टार्टिंग होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक और ये ब्रिज बनाया जा रहा है इस ब्रिज के साइड में। अब आपको अच्छे से नजर आएगा ये जो नया ब्रिज बनाया जा रहा है इस साइड में। और यहाँ से आगे वाली साइड में पिलर्स तो बनके रेडी हो चुके हैं, बस उनको कनेक्ट करने का काम रह गया है। और ये रही रेलवे लाइन जिसके ऊपर ये यहाँ पे ब्रिज बनाया गया है। और यहाँ से आगे वाली साइड में भी पिलर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। ये जो नया ब्रिज बनाया जा रहा है, इसके सिर्फ रेलवे लाइन के ऊपर की साइड में जो पिलर्स हैं उनको अभी यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया गया है। और यहाँ का जो ड्रोन व्यू है वो आपको मैं नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। और अब ये एक्सप्रेसवे ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा, पीछे जो ब्रिज गया था उसके बाद में। और अभी मैं एक्सप्रेस वाले हिस्से में ही ड्राइव कर रहा हूँ, देख सकते हो कितना चौड़ा एक्सप्रेसवे ये होने वाला है। और ये जो आपको साइड में यहाँ पे पार्ट पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये वही पार्ट हैं जो फ्लाईओवर की जो चौड़ाई है उसको एक्सटेंड करने के लिए जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सारे रखे हुए हैं। और अब यहाँ से ये एक्सप्रेसवे वापस से एलिवेटेड हो जाएगा। और यहाँ पे बन रहा है ये एक और रैंप। इस साइड में यहाँ पे आप देख रहे हो पिलर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है एक दूसरे से। यहाँ पे आपको यहाँ पे ये पिलर भी नजर आ रहा है, और उसके उस साइड में भी यहाँ पे आपको पिलर्स नजर आ रहे होंगे, क्योंकि आगे जाके इस एक्सप्रेसवे में कर्व आने वाला है। इस साइड में आएगा यहाँ पे इस एक्सप्रेसवे में कर्व। और यहाँ से स्टार्टिंग होती है CPR की। तो ये वाले जो अब आपको पिलर्स नजर आ रहे हैं, ये हैं CPR के, जो आगे जाके कनेक्ट होंगे NH8 में। और यहाँ से ये सीधे आने के बाद यहाँ पे जो इंटरचेंज बन रही है उसके पिलर्स हैं, तो जो ट्रैफिक है वो यहाँ से घूम के इस साइड से IMT मानेसर की साइड जा सकता है। और यहाँ पे नीचे की तरफ बन रहा है ये एक अंडरपास। ये प्लर्स थे जो मैंने अभी आपको ड्रोन व्यू से दिखाए थे, जो CPR के प्लर्स थे। और यहाँ से आगे वाली साइड में इन प्लर्स की जो हाइट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब ये एक्सप्रेसवे ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा। अब यहाँ से ये एक्सप्रेसवे ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा, देख सकते हो इस साइड में ये एक्सप्रेसवे ग्राउंड लेवल पे रहेगा। और ये हम अब एक्सप्रेसवे वाले हिस्से में ड्राइव कर रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे रोड बन गई है, बस अभी यहाँ पे इनकी लेन मार्किंग का काम रह गया है। यहाँ से अगर हम नीचे की साइड चले जाएंगे अब, तो NH8 में जाके कनेक्ट हो जाएंगे। और सीधे चले जाएंगे तो NH8 को ऊपर से क्रॉस कर देंगे। इस साइड का एरिया था जो मैंने अभी आपको दिखाया था। और यहाँ से अगर हम नीचे की साइड में आएंगे तो हम NH8 में कनेक्ट हो जाएंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ से सीधे आएंगे तो NH8 को ऊपर से क्रॉस करके CPR से SPR में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये है NH8। और यहाँ पे बन रहा है क्लोवर लीफ इंटरचेंज। तो द्वारका एक्सप्रेसवे से जो ट्रैफिक आएगा वो यहाँ से आके NH8 में कनेक्ट हो जाएगा, और जो मानेसर वाली साइड से ट्रैफिक आएगा वो इस साइड से
ऊपर की तरफ रैंप लेके एसपीआर पे कनेक्ट हो जाएगा, और दिल्ली की साइड से जो ट्रैफिक आएगा उसको अगर एसपीआर पे जाना होगा तो वो यहाँ से आएगा, और द्वारका एक्सप्रेसवे से जो ट्रैफिक आएगा जिसको मानेसर वाली साइड में जाना होगा वो इस साइड से आके यहाँ से नीचे उतर के NH8 पे कनेक्ट हो जाएगा। और जो SPR से ट्रैफिक आएगा और उसको NH8 पे कनेक्ट होना होगा तो वो इस साइड से आके यहाँ से NH8 में कनेक्ट हो जाएगा, और जो लोग मानेसर वाली साइड से आएंगे और जिनको द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाना होगा वो इस साइड से आके यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे, और जो दिल्ली की साइड से ट्रैफिक आएगा जिसको द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाना होगा तो वो इस साइड से यहाँ से घूम के द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये है पूरा क्लोवर लीफ इंटरचेंज, तो इसका भी जो काम है देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पीड से चल रहा है, और जल्दी ही यहाँ पे ये NH8 को ऊपर की साइड से कवर कर दिया जाएगा। तो बस इस वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब, और इससे पहले के जो पैकेज थे पैकेज 1, पैकेज 2 और पैकेज 3 की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। मैं अभी एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा वो सारी वीडियोस को। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।